तो मटेरियल की सबसे पहली टाइप जो है ना हमारे पास वो मेटेलिक्स है। ठीक है, मेटेलिक्स का इसके अंदर कुछ असूल हैं वीरे के अंदर, सॉरी क्रोना के अंदर, जो आपने याद रखने हैं, जिससे मेटल बड़ी आराम से बन जाएगी। हम एक सीन सेटअप थोड़ा सा बना लेते हैं। ये एक सीन सेटअप है और इसके अंदर फाइल इंपोर्ट मर्ज। अभी मैंने ना दानिश को एक करवाया था, लो जी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी है कीमेली मशीन है शायद, अल्लाह बेहतर जानता क्या। इसको हम ये वाला मटेरियल लगा देते हैं जो कि वाइट है, और इसको हम ये मेटल्स रख लेते हैं। ठीक है, और एक मैं सनलाइट लगा रहा हूँ, क्रोना सन, सिंपल सेटअप तैयार करना है। और इसके अंदर जाकर और एक मटेरियल और हम बना लेंगे जो कि हमारी बेस का मटेरियल है। ठीक है जी, अब ये मेटल्स मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अगर सेट, चले बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे रख लेते हैं इसको। ये आ रहा है हमारे पास विंडो कवर, स्टार्ट इंटरेक्टिव। ठीक है, ये प्रीव्यू नज़र आता जाएगा इस जगह पे, और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। हो रहा सर क्लियर हर चीज़? जी अब ये मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है। मेटल्स बनाने का असूल ये है कि आपने डिफ्यूज़ को ख़त्म कर देना, काला कर देना। ठीक है, मेटल की अपनी कोई रंगत नहीं होती, जो भी रंगत होती है उसकी रिफ्लेक्शंस की वजह से होती है उसकी। ठीक है, तो उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन 100% एक्टिव कर देनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आपने फ्रेशनल IUR को या फरनेल IUR को 99.9 कर देना है। तो ये आपके पास मिरर का मटेरियल बन गया। लेकिन मिरर और एक जगह पे जाके क्रोम सेम हो जाती हैं, क्रोम और मिरर तकरीबन सेम हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़, ये मेटल बन गई है। अब आपने जो प्ले करना है वो इसकी ग्लॉसीनेस के साथ करना है। जैसे कि मैं इसको कम करता जाऊंगा तो उसके अंदर देखें फर्क आता जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि यार डिफ्यूज़ तो हमने काला कर दिया है, तो कलर इसका कहाँ से कंट्रोल होगा? बाकी का कलर आपका यहाँ से कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसे ब्रॉन्ज बनाना चाह रहा हूँ या गोल्ड बनाना चाह, पहले ब्रॉन्ज बना के देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसके अंदर कलर्स ऐड करने शुरू करूँगा तो इसके अंदर कलर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसके रिफ्लेक्शंस के कलर्स हैं। ठीक है, अब ये देखें कितनी जल्दी मटेरियल बन गया। गोल्ड बनाना है, सिंपली गोल्ड के कलर में ले जाएं। ऐसे ही होता है कुछ, जो भी नाम लें और वो चीज़ आपके सामने रेडी हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से? सिर्फ इस कलर को कंट्रोल करने से। ये मेटेलिक्स है, जितनी भी मेटल्स बनेंगी वो इसी तरह बनेंगी। अब आप बताएं और कौन सी होगी मेटल? सिल्वर करना है तो सिंपली सिल्वर कलर आ जाएगा, ग्रे कलर होता है ना उसका, और डार्क सिल्वर अगर करना है तो ऐसे होता है ना सिल्वर। अब सिल्वर में कई टिंट भी होते हैं, ग्रीनिश टिंट होता है हल्का हल्का सा, तो आप हल्का सा इसको ग्रीनिश की तरह ले जाए। सर एक कैलिंग मटेरियल होता है जो एक्रेलिक ओपेक जब हम स्टडी करेंगे ना उसके अंदर आ जाएगा। ये भी सिर्फ मेटेलिक्स है। मेटेलिक्स के अंदर कोई चीज़, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, कोई चीज़ अगर आपके जहन में आ रही है और आप बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगी इसके अंदर, फौरन एक बन जाएगी। सिल्वर होता है वो जिसमें इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो हार्ड है जिससे होते हैं ब्रश्ड जी। ब्रश्ड अब आता है, अब ये यही मैं चाह रहा था कि आप बोलें और ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। जब हम ब्रश्ड की बात करते हैं ना, तो वहां पर इन होता है टेक्सचर,
अब टेक्सचर को जैसे ही हम इसके अंदर लेके आएंगे ना, तो बाकी प्ले अब टेक्सचर करेगा। इस जगह पर आप कोई भी टेक्सचर लोड करवा लें बिटमैप में जाकर, स्क्रैचेस का टेक्सचर ले आए कोई, जैसे कि मेरे पास लैब डाटा मैप्स पॉलीगॉन में ये कुछ पड़ा हुआ है, इसके अंदर डर्ट डस्ट फिंगरप्रिंट्स स्क्रैचेस, ठीक है, ये कुछ टेक्सचर मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि इम्परफेक्शन के लिए होते हैं, जैसे ये है, इसको मैं लोड करवा लेता हूँ। देख रहे हैं, अब ये टेक्सचर से उसने लेनी शुरू की है अमाउंट, ये रिफ्लेक्शन कलर में है। अब जैसे रिफ्लेक्शन कलर में डाला है ना, तो उसका अपना कलर खत्म हो गया। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हमें इसको रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस में डालना पड़ेगा। अब वो कलर वही रहेगा, लेकिन काम वो अपना पूरा कर रहा होगा। ये देख रहे हैं, ठीक है, ये इतना टेक्सचर अच्छा नहीं है, कुछ और लगाते हैं, एक टैली होता है डस्टी सा भी डस्टी वो और वही लगाने लगा। वो देखिए भी फाइल वो, फिनिशिंग नहीं आती थी इसकी। हाँ वो हम चले जाते हैं यार, एक तो मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को बड़ा, फ्रू क्लास इसके अंदर शायद अभी मैंने बनाया था ये वाला एक टेक्स्ट, ये वाला ऐसे कुछ आ रहे थे। हाँ लेकिन ये बड़ा नीट सा लग रहा है। नीट इसके साथ कंट्रोल होगा ना, ग्लॉसीनेस के साथ। ये आपने ग्लॉसीनेस लगा दी, और जैसे यहाँ पर ग्लॉसीनेस और आ रही है, यहाँ पे ग्लॉसीनेस आ रही है, तो उसके लिए हमें फिर एक टेक्सचर ऐसा चाहिए होगा जो कि ओवरऑल डल हो। और उसके लिए टेक्सचर मैंने भी गूगल पे सर्च भी किए हुए थे, अगर पढ़े हो यहाँ पे, तो ये स्क्रैचेस जैसे ये है, ठीक है। और इसको हम अगर सेव इमेजेस करें और इस जगह पे लोड करवा दें इसे, और उसके अंदर से जाके ये वाला लोड करो, ये बहुत ज़्यादा हो गया है इसके अंदर, ये वैसे फील आ गई है ना। जी अब बस इसको ये रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करना है, और वो कहाँ से हम करते थे, आउटपुट से इसको ब्राइट करना है ना थोड़ा सा, ताकि इस तरह ये जी रिफ्लेक्शन जी आए। तो ये ब्रश्ड हो गया या कोई रस्टी सा जैसे टेक्सचर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इससे कंट्रोल कर ली, और अगर आप और ज़्यादा चाह रहे हैं तो इसको आप और ज़्यादा ब्राइट कर लें, ठीक है जी। और इससे इन्वर्स रिजल्ट भी ले सकते हैं आप इन्वर्ट करके, ये ठीक है। और ये अच्छा कहाँ पे लगेगा, मेरे ख्याल से सिल्वर की बजाय अगर हम इसको थोड़ा सा वही उस टेक्सचर पे ले आए ना, ब्रॉन्ज टाइप में, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर फील आना शुरू हो जाए इसकी। डार्क हो गया ना थोड़ा सा, गोल्डन लो जी तुझे सोने नू स्क्रैच पा लो, गोल्ड का कलर ही है बस, कलर कंट्रोल करना होता है, ऐसे ही होता कुछ, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें अभी आपने देखी इसके अंदर, एक चीज डिफ्यूज इसका खत्म है, दूसरी चीज रिफ्लेक्शन 100% और IOR 100%, तीसरी चीज कलर और टेक्सचर, सही है उसके ना। बाद उसकी उसी की वेलोसिटी। ट्वीकिंग है कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर करके आप अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये है हमारे मेटालिक्स, ठीक है। और यहाँ पर मेरी हो गई है बस।